दोस्तों YouTube कम्युनिटी टैब में फिर से एक नया अपडेट आ गया है। कम्युनिटी टैब के इंटरफेस को ही चेंज कर दिया गया है, यानी कम्युनिटी टैब का अब आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिल जा रही होगी। अब दोस्तों मैं यूट्यूब ऐप को ओपन कर लिया हूँ। अब फ्रेंड्स मैं अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पे आ जाता हूँ और यहाँ पे योर चैनल पे आ जाता हूँ, यानी अपने यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं अपने कम्युनिटी टैब में आ जाता हूँ यूट्यूब चैनल के। तो यहाँ पर दोस्तों कम्युनिटी टैब आने के बाद देखिए मेरा यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी टैब यहाँ पे ओपन हो गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी मैंने पोस्ट वगैरह डाले हैं, वीडियो का लिंक डाले हैं, जो इमेज वोट पोल किया है, टेक्स्ट वोट पोल किया है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ वोट पोल डालना होता है, पोस्ट डालना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिला है। इस पर क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट वोट पोल, इमेज वोट पोल जो भी करना होता है यहाँ पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब नया अपडेट क्या किया गया है ध्यान से देखते रहिए। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से अपना यूट्यूब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अब क्या अपडेट किया गया है, क्या नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ध्यान से देखते रहिए। तो प्लस वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है नीचे, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स क्रिएट ए पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिला है नीचे आपको, यानी कम्युनिटी टैब का ऑप्शन देखने को मिला है। मैं इस पर अब क्लिक करूंगा। सो फ्रेंड्स पहले क्या होता था, पहले इस पर अगर आप क्लिक करते थे आपका कम्युनिटी टैब ओपन हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब क्या इंटरफेस आपको नया देखने को मिलेगा, क्या नया अपडेट कम्युनिटी टैब का आपको देखने को मिलेगा ध्यान से देखिए। तो क्रिएट ए पोस्ट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इस तरीके का अब आपको ऑप्शन यानी नया इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है टेक्स्ट पोल, यानी फ्रेंड्स अगर आप टेक्स्ट पोल पर क्लिक करेंगे तो आप अपने YouTube के चैनल पे जो भी टेक्स्ट पोल करते हैं, जो पोल डालते हैं कुछ इस तरीके का, वह ऑप्शन यहां पे अब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं इसको कट कर देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कट कर देता हूं फिर से दोस्तों मैं क्रिएट पोस्ट में जाता हूं, इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इमेज पोल, अगर मैं इस पर जाता हूं तो फ्रेंड्स मैं अपने YouTube के चैनल पर इमेज पोल का वोट पोल कर सकता हूं कुछ इस तरीके का। आप देखते होंगे दोस्तों अक्सर करके मैं अपने YouTube के कम्युनिटी टैब में इमेज वोट पोल डालते रहता हूं। तो अब इस तरीके का आपको अपडेट देखने को मिलेगा, यहाँ से अपना कोई भी दो या चार फोटो को सेलेक्ट करके अपने YouTube चैनल पे इमेज पोल डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसको भी मैं अब कट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स फिर से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट ए पोस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ दोस्तों देखिए तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है टेक्स्ट का। अगर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो आप अपने सीधे कम्युनिटी टैब में चले जाते हैं। जो वहाँ पर फ्रेंड्स पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलता था ना कम्युनिटी टैब में, मैंने आपको दिखाया है वो इंटरफेस अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आप अपने इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं। और यहां पे पोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहले वाला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा था दो ऑप्शन, वो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा इमेज का और टेक्स्ट का, यानी इमेज वोट पोल भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट इमेज वोट पोल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके का दोस्तों नया अब आपके सामने कम्युनिटी टैब का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि देखने में मुझे तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। सो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और अपडेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।